बात करेंगे रायपुर की, जहां आज से किराना दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध लगा है और रक्षाबंधन के लिए मिठाई भी अब ऑनलाइन मिलेगी। जिला प्रशासन ने आज से फिर लॉकडाउन में बढ़ा दी है सख्ती और चार दिन के बाद आज से सिलहर और थोक दोनों ही दुकानें बंद रहेंगे और सब्जी की दुकानें पहले की तरह निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी और रायपुर के बिरगांव और रायपुर नगर निगम की सीमाएं अब सील होंगे और सिर्फ वाणिज्य परिवहन की ही अनुमति दी गई है और रात में भी ये प्रतिबंध दो ही लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज से किराना दुकानों के खुलने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्षाबंधन के लिए मिठाई भी अब ऑनलाइन ली जाएगी और प्रशासन ने एक बार फिर से रायपुर में लॉकडाउन में कड़ाई बरतना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लगातार जो आंकड़े हैं वो रायपुर में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो रायपुर से ही निकलकर सामने आए हैं, जिसके चलते विशेष ध्यान राजधानी रायपुर में दिया जा रहा है। इससे पहले काफी हद तक ढील दे दी गई थी, बाजारों को खोला गया था, पर फिर लोगों के द्वारा लापरवाही की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद एक बार फिर से प्रशासन ने कड़ाई बरतना अब शुरू कर दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गए हैं। सुप्रिया, किन किन सेवाओं में आज छूट रहेगी और एक बार फिर से जो प्रशासन ने कड़ाई बरतना शुरू कर दिया है वो क्या कुछ रहेगा जिसमें एक बार फिर से रोक लगा दी गई है? बिल्कुल, त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने किराना दुकानों को खुलने की छूट दी थी। इसके साथ ही खाद्य सामग्री संबंधित दुकानें भी जो है वो 4 दिनों तक खोली गई थी और आज कल जो था उसका आखिरी दिन था और आज से फिर से एक बार प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाएगी। सख्ती के दौरान जो दुकानें हैं वो तमाम बंद रहेंगी। आवश्यक दुकानें जैसे कि दूध है, फल है, जो एकदम अति आवश्यक सामग्री है, सिर्फ उन्हीं की दुकानें ही सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोली जाएंगी। इसके अलावा यदि कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को, बेवजह भीड़ बढ़ाने वाले लोगों को जो है सतर्क किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजधानी रायपुर में तमाम जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। यदि कोई बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, उनको नोटिस थमाया जाता है। जी सुप्रिया, कल राखी है, राखी को लेकर लोगों की लगातार मांग रही है कि कुछ छूट मिलनी चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? राखी को लेकर अगर हम बात करें तो राखी को लेकर के जो मिठाइयां हैं वो ऑनलाइन मंगाई जा सकती है, लेकिन इसके अलावा राखी में किसी तरह की छूट प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाएगी। सभी को घरों में रहकर ही राखी मनाने की जो अपील है वो की जा रही है। तो जो इस बार राखी का त्योहार है वो उस पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है, इस वजह से यहाँ पर राखी के त्योहार जो है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें दुकानों की तो दुकानें राखी के त्योहार के दिन बंद रहेंगी, हालांकि मिठाइयों को ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। जी चलिए सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर भी राजधानी रायपुर से है, जहां राज्य में देर रात एक बार फिर से 19 के 42 नए मरीज मिले हैं और एक ही दिन में 235 नए मामले सामने आए हैं और एक मौत हुई है, तो वहीं एक ही दिन में 380 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में ऐसे मरीजों की संख्या 2762 पहुंच चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का ओवरऑल आंकड़ा अगर देखें तो ये बढ़कर अब 9427 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 6610 मरीज ठीक होने के बाद घर भी लौट चुके हैं। तो वहीं अब तक कोरोना से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, कोरोना वायरस संक्रमित के इलाज और देखभाल जो सुविधा है उसमें लगातार विस्तार देखा जा रहा है और रोजाना जांच की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 3.16 यानी कि 3 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल ले चुके हैं, जिसमें से 157 कोविड केयर सेंटर में अभी तक 18,598 बिस्तर उपलब्ध है और 25,000 बिस्तरों की व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए गए हैं। RT-PCR और ट्रोनॉट विधि से जांच के साथ ही सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से भी जांच की जा रही है और प्रदेश के 3 और मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर में RT-PCR जांच की अनुमति मिल चुकी है और RT-PCR जांच केंद्रों की संख्या अब बढ़कर 7 हो चुकी है। और